कोरोना वैक्सीनेशन से कोरोना मुक्त भारत, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ, इंडिया नहीं भारत बोलो, मातृभाषा में शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा सहित कई भावनाओं को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 400 पद यात्रियों की रायसेन जिले के बरेली से जबलपुर की शांति सद्भावना पदयात्रा जारी है। पदयात्रा जब नरसिंहपुर जिले में पहुंची है तो 5 साल में ये 5वीं पदयात्रा है। अभी तक 5 यात्राओं में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है। इस यात्रा में करीब 90 साल के बुजुर्ग से लेकर युवा, महिला और युवतियां भी यात्रा कर रही हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी दक्षिण भारत की धरा पर पहुंचे, इसके लिए निवेदन करने ये पदयात्री जबलपुर जा रहे हैं। पैदल यात्रा इसीलिए, हमारे गुरु महाराज भी पैदल चलते हैं और उनको बुलाना चाहिए तो भी वो हम पैदल जा करके बुलाना चाह रहे हैं। अगर गाड़ियों से जाते तो गुरु महाराज तो गाड़ियों से चलते नहीं, इसलिए हम लोग भी पैदल निमंत्रण भावना रखने के लिए जा रहे हैं। ये तो मुख्य हेतु तो है, उसके साथ ही रास्ते में हर गांव में साकार नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृभाषा में शिक्षा हो, भारत गुरुदेव का जो सपना है भारत भारत बने, ये जो अभियान गुरुदेव ने छेड़ा है उसका प्रचार प्रसार, इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत को भारत बनाने का जो कोशिश गुरुदेव कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार, हथकरघा के वस्त्र अपना करके स्वावलंबी हो जाओ, पर्यावरण की सुरक्षा हो जाए और कोरोना का जो काल चल रहा है उसको सुरक्षित करना है तो टीकाकरण, पूरा टीकाकरण होना जरूरी है। इन विषयों को लेकर के हर गांव में प्रचार प्रसार करते करते ये यात्रा बरेली से निकली है, जबलपुर जाने वाली है, अभी और भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इस यात्रा का एक उद्देश्य और है कि अभी विगत 1.5 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया केंद्र सरकार को कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ये आचार्य भगवान की भावना थी, क्योंकि यहाँ महायोगी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी बैठे हुए हैं, ये काम उत्तर प्रदेश में हो चुका है लेकिन ये काम पूरे देश में कैसा हो, तो ये भावना ये है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, केंद्र सरकार उसको पारित करे, क्योंकि अभी मैं वेस्ट बंगाल गया था और वहाँ पर लगभग 10,000 गाय रोज कटने जा रही हैं, तो कम से कम जो गांव गौचर की भूमि थी, जैसे मुंशी अक्षय सागर माझी ने बताया कि गाय रोड पर क्यों बैठी हुई हैं, उसका कारण है कि गौचर की भूमि गांव वालों ने दबा ली है, वो भूमि उनसे खाली कराई जाए, उन गाय की भूमि को गाय को दिलाई जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराया जाए, ये भावना इस यात्रा में है। और आप देख रहे हैं कि 400 लोग हैं, एक परिवार की तरह हैं, एक कुटुंबी की तरह हैं और सारे लोग सारे भैया का जो आदर्श है, जो नियम है उसका अच्छा था पालन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है इस यात्रा में 90 साल के वृद्ध हैं तो युवा युवतियाँ बहनें माताएं बुजुर्ग सब लोग हैं और